नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बस्ती रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को अरेस्ट किया है। पकड़े गए 3 शराब तस्कर बिहार के रहने वाले हैं। इनके पास से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद हुई। तस्करों में 2 कोच अटेंडेंट, 1 यात्री शामिल है, जो लखनऊ टू छपरा ट्रेन के B1 B2 कोच में अवैध रूप से शराब तस्करी करके ले जा रहे थे। तस्कर शराब को बिहार ले जाकर अवैध रूप से 3 से 4 गुना दाम पर बेचते थे। पकड़े गए शराब तस्कर संजय कुमार गुप्ता, लक्ष्मण और सुनील कुमार बिहार के रहने वाले हैं। तीनों शराब तस्कर ट्रेन में कोच अटेंडेंट हैं, जिनकी वजह से कोई इन पर शक नहीं करता। इनके पास से लगभग 65,000 की अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पकड़ी गई शराब में ब्लैक डॉग, रॉयल स्टेज, ऑफिसर चॉइस ब्रांड की भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। ये गैंग काफी समय से ट्रेन में अवैध रूप से शराब तस्करी कर बिहार ले जाता था। बिहार में शराब बंद होने के कारण भारी डिमांड रहती है, इसी का फायदा उठाते हुए ये गैंग अवैध रूप से शराब को 3 से 4 गुना रेट पर बिहार में बेचकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। जीआरपी के प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि शराब तस्करी की सूचना 3-4 दिन पहले से ही मिल रही थी। इसी क्रम में 3 शराब तस्करों को अरेस्ट किया है, जिनमें से 2 कोच अटेंडेंट और 1 यात्री है। ये बिहार में शराब ले जाकर कई गुना दामों पर बेचते थे। पूछताछ में इन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो पीने के बहाने थोड़ा थोड़ा करके शराब खरीदी जाती है, ताकि स्टेशन पर शराब की खेप पकड़ी ना जा सके। से ब्यूरो अनिल शुक्ला की रिपोर्ट। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एडीसी रेलवे महोदय, आईजी रेलवे और एसआरपी महोदय के निर्देशन में सब बीच बीच में अभियान भी चलाए जाते हैं, सघन चेकिंग कराई जाती है। और इस क्रम में छपरा कचहरी लखनऊ ट्रेन को चेक किया गया था, उसमें 3 लोगों के पास से अवैध शराब बरामद हुई है, जिनमें से 1 यात्री था और 2 कोच अटेंडेंट है। ये सूचना 3-4 दिन पहले से मिल रही थी, इसके पीछे हम लोग लगे हुए थे और आज इसमें सफलता हासिल हुई। ये जानकारी हुई है जो उनके द्वारा बताया गया है कि ये यहाँ से ट्रेन में लेके बिहार चले जाते हैं और वहाँ पर ये जो रेट अपने यहाँ निर्धारित है उस रेट के कई गुना रेटों पे वहाँ बेचकर इसका ये अनुचित लाभ कमाते हैं। नहीं, अभी इस तरह की बात कोई प्रकाश में नहीं आई है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चालू है, अगर कोई बात आएगी तो सबके सामने रख दिया। नहीं, ट्रेन में बेचने की तो ऐसी बात नहीं आई, क्योंकि वो चीज ये लोग चोरी करके ले जाते हैं और छुपा के ले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो ट्रेन में बेचने वाली बात नहीं है। खरीदारी के बारे में इनने से पूछताछ की गई थी, इनने बताया कि बीच बीच में जब हम ये लोग लखनऊ या फिर बीच में किसी शहरों में रुकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके कई दुकानों से पीने के बाद और इस तरह से ले लेते हैं, और कभी कभी ये बताया जाता है इनके द्वारा है, पूछताछ में जो बात आई है कि अजनबी व्यक्ति जो इनको जानकारी नहीं रहती है, कुछ लोग आ जाते हैं स्टेशन पर, इस तरह के बेचने वाले भी आ जाते हैं, तो उनसे भी खरीद लेते हैं। अब इसमें 3 लोगों से कुल ब्लैक डॉग की जो शराब है ये 49 अदद प्राप्त हुई है, ऑफिसर्स वाइज फ्रूटी है ये लगभग 88 अदद है, और रॉयल स्टेज का है ये 18 अदद है, और रॉयल स्टेज की और जो छोटे बोतल। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।